क्या सीख के मानेगा रुद्र? क्या चीज से वो बजा रहा है? पियानो। पियानो बजा रहा है, वाह। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज बहुत खुशी की बात है कि मुझे मेल आया है कि आज मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई है और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और उसी खुशी में अभी जा रहे हैं हम लोग पार्टी करने। तो मैं सुबह सुबह तो हम लोग ये सब नहीं खाते, लेकिन आज है खुशी का दिन तो आज पार्टी करेंगे, इन्जॉय करेंगे बच्चों के साथ। और आप भी मेरे साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए हमारे साथ कि आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो मुझे बहुत खुशी हुई इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है? चलिए तो अभी मिलती हूँ, मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई मार्केट से बच्चों के साथ पार्टी करने के लिए। चलिए ठीक है गाइस, अभी देखिए क्या क्या आया है पार्टी के लिए। ये है स्प्रिंग रोल और ये है समोसा, दो स्प्रिंग रोल रिद्मा और रुद्र के लिए। ये ब्रेड पकौड़ा और 6 समोसे आए हैं। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग समोसा खाएंगे और उसके साथ ये तली हुई मिर्ची, और ये एमपी वाला है जिसने बनाया है, और ये चटनी है नमकीन चटनी, और इसके साथ है पेपर बोट स्विंग जूस ड्रिंक, और फ्लेवर है मैंगो फ्लेवर है। तो चलिए अभी हम लोग पार्टी इंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। देखिए रुद्र भी बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए। किस चीज का पार्टी हो रहा है रुद्र? समोसा स्प्रिंग रोल। अरे बाबा, बहुत खुश है। और ये जूस। हो, और इधर रिद्मा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने, और पार्टी बहुत जरूरी है। खुशी अपनी जाहिर करनी होती है, तभी खुशियां ऐसी जाहिर होंगी। और अभी बहुत सारी चीजें जो आई और गई, मैं कुछ कर नहीं पाई अपने लिए, तो अभी मैं ये करूंगी, इसके लिए पार्टी करूंगी क्योंकि पेमेंट आई है और आप लोगों के साथ शेयर हो रहा है। तो ठीक है चलिए अभी पार्टी करेंगे। रिद्मा आ रही है, रुद्र आके बैठ गया है, उसको मतलब बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए। खाने के लिए बच्चों को क्या है, बच्चे खाने के लिए बहुत बुरे रहते हैं, उनको कुछ समझता है। रिद्मा को कैसा लग रहा है रिद्मा पार्टी करके? मुझे तो खाने में मजा आएगा। खाने में मजा आएगा। आज रिद्मा की थोड़ी तबीयत ढीली है, तो कुछ नहीं होता, उसके बाद भी वो बहुत खुश है अभी मेरे लिए, ठीक है? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पार्टी, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी हम लोगों का आपने देखा ही कि हमने बहुत मजे से खाया पिया। अभी रिद्मा का मैंने बताया जैसे आपको कि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो अभी वो लेटी हुई है, उसके पास में ही मैं बैठी हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसको, लेटी हुई है यहाँ पे। इसलिए आज मैं ये वाले रूम में हूँ, मैं तो इस रूम में रहती नहीं हूँ ज़्यादा। तो अभी मैं चाय भी बना रही हूँ ताकि उसको मैं दे सकूँ। पता नहीं क्यों उसको पेट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, दुख रहा है उसका पेट, तो शायद मे भी गर्म थोड़ा पिएगी तो उसको अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी मैं उसको चाय भी दूंगी, और थोड़ा आप लोग देख लीजिए रिद्मा को क्या कर रही है। रिद्मा सोई हुई है, और बच्चे थोड़े तबीयत खराब होता है ना, तो माँओं को ज़्यादा चिंता हो जाती है, और मुझे तो बहुत लगता है मेरे दोनों बच्चों में किसी का भी तबीयत खराब होने से क्या, लोग उधम चौकड़ी बहुत करते हैं, और तबीयत खराब होगा तो दोनों फिर चुपचाप हो जाते हैं। तो वो लगता है, हर माँ को ही लगता है, हम लोग को भी, हमारी माँ जब हमें ऐसा होता था प्रॉब्लम तो उन लोग भी लगे रहते थे, उनको भी खराब लगता था, तो सबको लगता है, सबकी माएँ चिंता करती ही अपने बच्चों की। चलिए अभी दिखाती हूँ रिद्मा क्या कर रही है, और तबीयत भी खराब रहे तो ये लोग मोबाइल से दूर नहीं रहते हैं, तो देखिए अभी क्या कर रही है रिद्मा। तो अभी देखिए अभी रिद्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है, गेम खेल रही है। चेहरा तो दिखा दो, अभी तुमको व्यूअर्स देख रहे हैं। आज की तबीयत ठीक नहीं है गाइस, आप लोग थोड़ा प्रे कीजिएगा किसी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, इसको पता नहीं क्यों फीवर सुबह से ही लग रहा है, फीवर टाइप से, और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो चलिए अभी मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ और चलती हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय वाय पिलाती हूँ मैं इसको थोड़ा, उसका तबीयत थोड़ा ठीक करती हूँ जल्दी से, ठीक है।
इधर रुद्र रिद्धमा और मेरे लिए चाय बन रहा है और इधर मैं उबाल बॉइल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा हल्दी डाल के मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको थोड़े से तेल में सॉटे करूँगी वेजिटेबल्स के साथ। तो ये आज रिद्धमा के लिए मैं बना रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और रुद्र रिद्धमा किनवा खाएंगे क्योंकि मेरा भी बहुत टाइम हो गया, मैं किनवा बहुत टाइम से नहीं, चलो आज रिद्धमा के बदौलत रिद्धमा को मैं आज वो पूछी मैं तो क्या खाएगी तो किनवा खाऊंगी। तो मैं बोली चल बच्चा जो मांग रहा है उसको खिला दिया जाए। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे बनाती हूँ किनवा, ठीक है। उसको ऐसे ही बॉईल कर लूँगी, उसके बाद मैं उसको फ्राई करूँगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अभी तो चले चाय पीते हैं, मस्त ठंडा मौसम भी हुआ, उसको फीवर है तो ज़रूरी है थोड़ा चाय वगैरह देना उसको। गाइस अभी हम लोग पार्टी में पार्टी चल रहा है, अभी चाय पी रहे हैं और थोड़ा लेट हो गया है। तो अभी रुद्र को जा रही हूँ मैं पराठे बना दूँगी तो वो सब्जी के साथ खा लेगा क्योंकि उसको भी चाय चाहिए, अब रो रहा है। और थोड़ा इग्नोर करिएगा, ये रूम थोड़ा अंधेरा है तो लाइट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा सा, इसलिए मैं इस रूम में नहीं आती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये रूम पसंद नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, इसलिए मैं वो वाले जो मैं जो मास्टर बेडरूम में ये है बट मैं उसको ही अपना बेडरूम बना दी हूँ, यहाँ बच्चे सोते हैं तो इसलिए मैं ये रूम पसंद नहीं करती। चलिए वो रिद्धमा सोई हुई तो यहीं पर मेरे को फिर बार बार आना पड़ रहा है। अभी हम लोग चाय इन्जॉय करते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ किनवा का फ्राइड बनाने। तो किनवा ऐसा दिखता है बनने के बाद। ये मैंने पहले उबाल लिया है नमक और हल्दी डाल के और थोड़ा सा तेल डाला था और अब मैं चलूँ इसको फ्राई करूँ तो वो देखिए आप कैसे बनाती हूँ मैं। गाइस मेरे साथ गड़बड़ हो गई, मैं जब प्याज डाल के फ्राई कर रही थी किनवा फ्राई करने के लिए तो मेरा वो क्या वीडियो जो है ना वो ऑन ही नहीं था और मैं बना दी। तो चलिए ये ज़्यादा कुछ नहीं प्रोसेस हुआ है, बस तेल गरम करके जीरा और प्याज भून लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी डाल दी है जिसमें कि फूलगोभी है, आलू है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। मेरे पास जो सब्जी अवेलेबल थी मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर इससे ज़्यादा सब्जियाँ हैं, कैप्सिकम कैरेट वगैरह है तो उससे और टेस्ट अच्छा बनेगा, आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद अब मैं नमक और हल्दी एक साथ डाल के इसको अच्छे से ढक ढक के पकाऊँगी। यहाँ मैंने मिर्ची भी डालना भूल गई थी तो मैं मिर्ची अभी डाल रही हूँ, हरी मिर्च, क्योंकि रुद्र को खाना नहीं है, मैं और रिद्धमा खाएँगे तो थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, रेड मिर्च नहीं यूज़ कर रही हूँ। के बाद गैस यहाँ पे मैं जो पाव भाजी मसाला होता है ना उसको मैंने डाला और गरम मसाला दोनों चीज़ मैं ऐड कर दी हूँ और इसको भी मैं उसके बाद इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला और टमाटर एक साथ पक जाए क्योंकि इसको भी गलाना है टमाटर को। तो अभी ढक दूँगी मैं और मसाला भी थोड़ा हल्का भुन जाएगा तो टेस्ट अच्छा आता है। और लिड लगाने से देखिए कितना अच्छा टमाटर गल गया है और मसाला भी भुन गया है। अब मैं इसमें किनवा को डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छे से थोड़ी देर भुनूँगी ढक के और उसके बाद इसमें मैं धनिया और नींबू ऐड कर दूँगी और मस्त मेरा तवा पुलाव रेडी हो जाएगा। तो ये आप अपने घर में बना सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये हाई प्रोटीन होता है, ग्लूटीन फ्री होता है, डायबिटिक के लिए भी अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। तो आप इसको ट्राई कीजिए घर में, मुझे तो बहुत ही यम्मी लगता है और आप भी इसको बनाइए। और गाइस अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना वीडियो जो है ये इसको अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।